वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। उसका अपना घर भी होता है। इस साल के बजट में गरीबों के लिए 80 लाख पक्के घर बनाने की बात कही गई है और इस पर 48,000 करोड़ रुपए यानी करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। गरीब से मुक्ति का ये भी एक, गरीबी से मुक्ति होनी है, गरीब मुक्ति से, गरीबी से बाहर आना चाहता है, जब घर मिलता है ना उसका एक हौसला बन जाता है। हम कभी गरीबों की ताकत जानते नहीं थे, सिर्फ गरीबों का राजनीतिक उपयोग करने वाले लोग बहुत हुए इस देश में। एक छोटा सा प्रयास, जनधन अकाउंट, गरीब को जब जनधन अकाउंट मिला ना उसका स्वाभिमान जग गया और लाखों करोड़ रुपए की बचत में गरीब भी आगे आया है। अगर एक जनधन अकाउंट उसकी जिंदगी बदल सकता है तो गरीब को जब छत मिले, गरीब को जब घर मिले, तब उसका जीवन कितना बदल जाता है इसका हम देख करके बता सकते हैं। जो भी उन परिवारों को देखेगा उसका विश्वास बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, सरकार जो घर बनाकर इन्हें देती है वो घर इन गरीबों को एक तरह से लखपति बना देती है। मैं जब छोटा था लखपति शब्द बहुत बड़ा लगता था। लखपति यानी कितनी बड़ी दुनिया है, सुनते ही कान खड़े हो जाते थे। लेकिन हमने जो गरीबों को घर दिया है ना, उसकी कीमत के हिसाब से देखे तो हमने पिछले 7 साल में 3 करोड़ गरीबों को पक्के घर देकर उन्हें लखपति बनाया है। जो गरीब थे, जो झोपड़पट्टी में रहते थे, अब उनके पास अपना घर है। पहले के मुकाबले हमारी सरकार ने इन घरों के लिए राशि भी बढ़ाई है और समय की ध्यान को रखते हुए घरों की साइज भी बढ़ाई है ताकि बच्चों की पढ़ाई न छूट जाए, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जगह मिल जाए। बड़ी बात यह भी है कि इसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर भी है, यानी हमने महिलाओं को घर की मालकिन भी बनाया। बजट के बारे में हमेशा जो बातें होती वही है, गरीब मिडिल क्लास लोगों को क्या मिला है सिवा आश्वासन और बात। तो अभी हम बजट के ऊपर चर्चा करेंगे सदन में, तभी बातें बताएंगे। और ऑपोजिशन ने रिवॉर्ड किया है बजट पे ही और उन्होंने बोला है गोलमाल से लेकर जुमला तक। गोलमाल है, जुमला है, और भी भ्रम है, हाँ टाइम पास है, सब कुछ है उसमें। एक फ्लॉप फिल्म है। तेलंगाना सीएम केसीआर ने बोला है कि वो उद्धव ठाकरे जी से मिलेंगे। जी हाँ, मुझे मालूम है, कुछ महीनों से हमारा एक काम चल रहा है कि सभी जो मुख्यमंत्री है बिगर भाजप शासित राज्यों के, वो एक साथ आए बैठे, उनका एक फेडरेशन बने, सभी अपोजिशन का एक अलग से गठन हो जाए और 2024 के चुनाव में हम एक साथ चुनाव लड़ें। बजट को कहा गया, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये सबसे पहला बजट है जो समर्पित है पूंजीपतियों को, सिर्फ पूंजीवादियों को। ये तो कल हम बोले हैं लेकिन आप लोगों ने कवर नहीं किया। ठीक है, हमने तो ये बताया कि ये पूंजीपति की बजट है, अमीरों के लिए है, गरीबों के इसलिए इसमें कुछ भी नहीं है, किसानों के लिए इसमें कुछ नहीं है, मनरेगा के वर्कर्स के लिए भी कुछ नहीं है, यहाँ तक कि एससी एसटी ओबीसी लोगों के लिए भी इसमें कोई नहीं है। ये 2-4 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बजट तैयार कर ले के बोले हैं। इसमें कोई नई चीज़ भी नहीं है, नई योजना भी नहीं है, ये सिर्फ न सिर्फ जो कॉरपोरेट कंपनीज है और जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं
उनके दोस्त लोग हैं उनको फायदा पहुंचने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कमी करना, डिसइन्वेस्टमेंट करना, ये बात उन्होंने कही।